दोस्तों, अगर आप भी भारत और श्रीलंका के बीच चौथे टेस्ट मैच के पांचवें दिन का मुकाबला देखने के लिए उत्साहित हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चार दिनों के खेल में नहीं जीत पाया भारत, अब प्रेमदासा स्टेडियम पर निर्णायक पांचवें दिन का मुकाबला हो चुका है शुरू। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी ने चटका दिए श्रीलंका के 10 विकेट मात्र इतने रन पर। तो आखिरकार कितने रनों पर ऑल आउट हुई श्रीलंका की क्रिकेट टीम? अब रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल ने बल्लेबाजी शुरू करते हुए दूसरी पारी में बना दिए कितने रन भारत के पास हो चुकी है, कितने रन की बढ़त, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में भी लाइव दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और श्रीलंका में से कौन सी टीम चौथे टेस्ट मैच के पांचवें दिन का मुकाबला अपने नाम करेगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और श्रीलंका दो चिर प्रतिद्वंदी टीमें हैं और दोस्तों, दोनों टीमें जब भी टेस्ट क्रिकेट में आमने सामने आती हैं तो मुकाबला बेहद ही रोमांचक बन जाता है, जैसा कि हमें अब तक इस सीरीज में देखने को मिला। पहला टेस्ट मैच तो श्रीलंका ने ड्रॉ कर दिया था, लेकिन फिर टीम इंडिया ने तगड़ी वापसी करते हुए दूसरे टेस्ट मैच को चार दिनों में ही अपने नाम कर दिया। लेकिन दोस्तों, तीसरे टेस्ट मैच में एक बार फिर से श्रीलंका का बोलबाला रहा और श्रीलंका ने 1-1 से टेस्ट सीरीज को बराबरी पर ला खड़ा किया। लेकिन अब ये सबसे रोमांचक चौथा टेस्ट मैच तो श्रीलंका की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा था और दोस्तों, यहां पर अब टीम इंडिया के खिलाड़ी बिल्कुल भी ये होने नहीं देना चाहेंगे कि श्रीलंका की टीम एक बार फिर से वापसी करे और हमारी टीम को हार की स्थिति में पहुंचाए। हालांकि हम आपको बता दें कि इस चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना, जहां टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा के शतक को विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और सरफराज खान के अर्धशतकीय पारियों की बदौलत भारत ने 603 रन श्रीलंका के खिलाफ बनाए। अब दोस्तों, 600 रन बनाने के बाद जब भारत के 10 विकेट गिर गए थे तो तीसरे दिन का मुकाबला समाप्त होने तक श्रीलंका की टीम ने दिमुथ करुणारत्ने की शतकीय और धनंजय डिसिल्वा की अर्धशतकीय पारी के बलबूते पर 5 विकेट के नुकसान पर 257 रन बनाए थे और भारत के पास अभी भी 346 रन की बढ़त हासिल थी। दोस्तों, जिसका डर हर किसी को लग रहा था चौथे दिन ही हुआ। दरअसल जब दिमुथ करुणारत्ने और धनंजय डिसिल्वा पारी की शुरुआत करने के लिए उतरे तो दोनों बल्लेबाजों ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी। दोनों को पता था कि तीसरे दिन भले ही इन्होंने 257 रन बनाए, लेकिन पिच पूरी तरह से बल्लेबाजों को मदद करेगी और इसीलिए इन्होंने इस स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया और 140 रन की साझेदारी भारत के खिलाफ कर डाली। अब दोस्तों, यहाँ दिमुथ करुणारत्ने शतक के बेहद ही नजदीक थे, लेकिन तभी मोहम्मद शमी ने उनको LBW बोल्ड कर दिया तो धनंजय डिसिल्वा का भी विकेट 132 रन पर जा गिरा और जिसके चलते यहाँ श्रीलंका की टीम के पास अब 206 रन की बढ़त थी। लेकिन दोस्तों, फिर प्रभात जयसूर्य, जो कि इस मुकाबले में 43 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं नेहरू कुमारा के बल्ले से 48 रन की पारी देखने के लिए मिली। और वहीं दोस्तों, आपको हम बता दें कि श्रीलंका की टीम ने चार दिनों के इस मुकाबले में अपने 10 विकेट गंवाने तक भारत के पास बढ़त छोड़ दी बस 56 रन की। और दोस्तों, एक बार फिर से टीम इंडिया इस मुकाबले में फंसती हुई नजर आने लगी। इस तरफ एक तरफ भारत ने 603 रन बनाए थे और हर किसी को लग रहा था कि इस स्कोर को तो श्रीलंका की टीम छू भी नहीं पाएगी, लेकिन अब श्रीलंका की टीम मात्र 56 रन पीछे है भारत के कंपैरिजन में। और अब देखना दिलचस्प होगा कि श्रीलंका को कितनी चुनौती भारत की टीम अब दे पाएगी। अब दोस्तों, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने पांचवें दिन पारी की शुरुआत भारत की तरफ से कर दी है, जहां दोनों बल्लेबाज अभी तक बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को बस 140 रन की बढ़त दे पाए हैं। और यहां पर अब भारतीय टीम की कोशिश यही होगी कि श्रीलंका के आगे सिर्फ एक दिन बचा है, कम से कम 300-400 रन का लक्ष्य रखा जाए, क्योंकि इस पिच पर दोस्तों बल्लेबाजी करना बहुत आसान नहीं है। जहां रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल के बल्ले से शतक की उम्मीद पूरा भारत देश कर रहा है, तो ऐसे में दोस्तों देखना बेहद दिलचस्प होगा कि भारत की टीम क्या इस मुकाबले में वापसी कर पाती है या फिर नहीं, और हमारे गेंदबाज जो कि बस जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी के बलबूते पर टिके हुए हैं, वो कुछ कारनामा करेंगे या फिर नहीं। बाकी अब आप सभी क्या मानते हैं भारतीय टीम के ऐसे प्रदर्शन को देख लेने के बाद, और आप टीम इंडिया की बल्लेबाजी और गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आज के इस रोमांचक मुकाबले में? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ ये भी बताएं आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया ये चौथा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं। और ऐसे ही नई नई और धमाकेदार खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।